बहराइच से खबर आपको बता दें, सामाजिक संगठन बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा व AIMIM पार्टी ने संयुक्त रूप से शहर के अंबेडकर पार्क में एक दिवसीय धरना देकर राष्ट्रपति को संबोधित अलग अलग ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया है। इन सभी संगठनों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से त्रिपुरा राज्य में मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू संगठनों द्वारा किए गए प्रायोजित अत्याचार की निंदा करते हुए राष्ट्रपति से देश का माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक लल्लन प्रसाद सोनी ने कहा कि त्रिपुरा की घटना की पृष्ठभूमि बांग्लादेश में घटित घटना को आधार बनाकर प्रायोजित ढंग से अंजाम देते हुए मुसलमानों के घर दुकान प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया, जो संविधान विरोधी कृत्य है। उन्होंने कहा कि हिंदुवादी संगठनों ने OBC व दलित को मुसलमानों से लड़ाकर दोहरा चरित्र अपनाते हुए OBC का हक अधिकार से वंचित रखता है और मुसलमानों को दहशत ज़दा किया जाता है। क्या मामला है? मामला तो 1947 आज़ादी के बाद से ही सारे मामले हो रहे हैं और इतने मामले हुए हैं कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। अब मैटर ये है कि जो त्रिपुरा का मैटर हुआ है, उससे पहले आसाम का जो मैटर हुआ है, मुस्लिम भाइयों के ऊपर जो अत्याचार अनाचार किया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनकी इबादत गाहों को जलाया गया, उनके घरों को तोड़फोड़ किया गया और दहशत पैदा की, उसके पीछे कारण क्या है, ये हमारे लोगों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर दरअसल क्या है, ये OBC का मैटर है, ये मामला मुसलमानों का नहीं है, ये मामला है OBC जो भारत में 80 करोड़ है, 80 करोड़ है, उसकी गिनती 1931 से लेकर आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर गिनती होगी तो संविधान के आर्टिकल 340 के तहत उसको हक अधिकार देना होगा और सभी जगह देना होगा, लोकतंत्र के चारों स्तंभों में देना होगा, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनमें देना पड़ेगा, विश्वविद्यालयों में देना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेजों में देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेजों में देना पड़ेगा, सभी जगह देना पड़ेगा। इसलिए उनको ना दिया जाए, इसलिए उनको अपने जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो SC ST OBC से धर्म परिवर्तित हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, ये जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, इनको जो है टारगेट बनाया गया और कहा गया, ये कहा जाता है हिंदू संगठनों द्वारा, RSS के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, हिंदू जागरण मंच के द्वारा, बहुत सारे उनके आपसूट संगठन हैं, ये कहा जाता है कि जो है आप लोग सारे SC ST OBC के लोग हिंदू बन जाओ, नहीं तो मुसलमान जो है वो कब्जा कर लेगा इस देश पे, 14-14 बच्चे पैदा करता है तो वो कब्जा कर लेगा, और इसका डर दिखाते दिखाते, मुसलमानों का डर दिखाते 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 कार्यपालिका पर 80% का कब्जा, विधायिका पर 80% का कब्जा, न्यायपालिका पर 97% का कब्जा है, मीडिया पे 100% का कब्जा है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं सब पर उनका कब्जा है, विश्वविद्यालयों में उनका कब्जा है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जगह वो कब्जा किए हुए हैं, यहाँ तक कि जो निजी कंपनियां हैं उन पर भी उनका कब्जा है, उनका कब्जा है। माने ये राज्यसभा में कार्मिक मंत्रालय, एक मिनट, कार्मिक मंत्रालय 2011-12 की रिपोर्ट है, और राज्यसभा में जब बहस हुई तो ये बताया गया लिखित में कि 79.2% पर जो है सामान्य वर्ग का, जनरल लोगों का कब्जा है, ये लिखित में है, कोई मैं काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूँ, जबकि SC और ST को 22.5% हक अधिकार मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला, केवल 11% मिला है। OBC को 27% 1992 में, 16 नवंबर 1992 को जब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेज पीठों ने कहा कि 27% मिलना चाहिए, आज तक उनको नहीं मिला, केवल 5.6% है। आबादी कितनी है? 80